तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। नबी होशुआ का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1-9 तक। हे इसराइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट जाओ और ये कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलि पशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असुर हमको बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी ना तो घोड़ों पर सवार होंगे और ना अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूँगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इसराइल के लिए ओस के सदृश बन जाऊँगा। वह सोसन की तरह खिल उठेगा और लेबानोन के देवदार की तरह जड़े जमाएगा। उसकी शाखाएं दूर तक फैल जाएंगी। उसकी शोभा जैतून के सदृश और उसकी सुगंध देवदार की तरह होगी। इसराइल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उपजाएगा। वह दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा और लेबानोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। हे इफ्राइम, देव मूर्तियों से मुझको क्या? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देखरेख करता हूँ। मैं सदाबहार सरू का वृक्ष हूँ, तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो ये बातें समझेगा? कौन बुद्धिमान जो इनका मर्म जान लेगा? प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी इन पर गिर जाते हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने एक अप्रचित वाणी को ये कहते हुए सुना। मैंने तुम्हारे कंधों पर से भार उतारा और तुमको बिगाड़ से छुड़ाया। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुम्हारा उद्धार किया। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने गरजते हुए बादलों में से तुम्हें उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। हे मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दे। हे इसराइल, मेरी बात सुन लो। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवते की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। ओ, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इसराइल मेरे पथ पर चलता, तो मैं उसको उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 28-34। एक शास्त्री यीशु के पास आया,
उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा ये है, हे इसराइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उसे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।